हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रही हूँ वो है ये मोआनो कैस्टर लाइट, जिसका मॉडल नेम है AU AM 200। एक मिक्सर है और साथ ही इसमें लाइव स्ट्रीमिंग के फीचर भी मिलते हैं। आप ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स को लाइव मिक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कोई लाइव परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर लाइव गेमिंग जैसा कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो ये बहुत ही यूजफुल होगा। आपका पोस्ट प्रोडक्शन काम भी आसान हो जाएगा। इसमें हमें मुख्य तीन बातों के लिए मैंने इसको परचेस किया है। सबसे पहला है इसका माइक वॉल्यूम फीचर। तो जैसा कि जनरली पता नहीं क्यों बहुत से माइक का गेन अच्छा नहीं होता, तो वहाँ ये बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। और दूसरा नंबर है इको। सिंगिंग बिना इको के बेकार है, इसलिए इको फीचर बहुत ही हेल्पफुल है इसमें। तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो है डी नॉइस का, क्योंकि जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं उस समय पूरी दुनिया डिस्टर्ब करने लगती है। लैपटॉप का फैन चालू हो जाएगा, बगल में कोई बाइक बुलेट वाला शोर करने लगेगा, कुछ नहीं तो बच्चे खेल कूद में ही आपको डिस्टर्ब करने लगेंगे। तो ये डी नॉइस का बटन आपका बहुत हेल्प करेगा। बाकी तो ये फुली फीचर्ड ही है। तो आइए चलिए अब हम इसको खोलते हैं। इसमें काफ़ी अच्छी पैकिंग की गई है। देखिए जैसा कि इसके साथ हमें ये मिला है इसका यूज़र मैनुअल, ये हमारा इसके साथ अदर कार्ड्स भी हैं। ये देखिए यहाँ पे इसका फुल इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है, तो आप इसको एक बार रीड करें। तो देखिए ये है हमारा मिक्सर। तो देखिए ये रहा हमारा कंडेंसर माइक। देखिए जैसा कि इसमें ये इसका कॉर्ड है, ये हमारे माइक का कवर है, और ये देखिए ये हमारे माइक का कॉर्ड है। ये देखिए ये हमारा पावर के लिए है, यहाँ से हम इसको इंसर्ट करके यहाँ से हम इसको चार्ज करते हैं। तो देखिए जैसा कि ये स्विच हमारा इको का है, इसको आप अप डाउन अपना अपने म्यूजिक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये इसका मॉनिटर पॉइंट है। ये देखिए ये है इसका माइक, जैसा कि इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर किया सकता है इसको ऐसे मूव करके। ये देखिए यहाँ पर हमारा है म्यूजिक, ये है हमारा म्यूजिक का, इसके थ्रू हम म्यूजिक को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा अदर बटन दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे हमारा अदर फीचर है इसमें ओपनिंग अप्लॉज, यानी कि आप अपने रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग किसी भी बटन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो बटन दिए हुए हैं तो आप अपने रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग अप्लॉज, बोइंग, ऑकवर्ड, क्लैपिंग, हियरिंग सभी अपना रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा। और देखिए यहाँ पे हमारा है इफेक्ट स्पीच म्यूजिक ओनली एंड डी नॉइज बटन यहाँ पे हमारा दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में देखेंगे और सारे फीचर आपको इसको हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।